हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सिग्मा एजुकेशन। तो आज जो हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के जो मैथमेटिक्स है उसमें एक्सरसाइज 4.3 और उसका जो इंट्रोडक्शन है, जो 4.3 में जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो जो किस तरह से सॉल्व होंगे, कौन से मेथड से सॉल्व होंगे, तो उसका कॉन्सेप्ट का पहले हम उसको पढ़ेंगे, उसके बाद जो है एक्सरसाइज पर आएंगे। तो इसमें दो मेथड इसमें जो है आए हैं, कौन से, कंप्लीटिंग द स्क्वायर जो हम रूट निकालने के, मूल निकालने के जो मेथड है, दूसरा क्वाड्रेटिक फार्मूला, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, दूसरा द्विघात सूत्र। अगर हम क्वाड्रेटिक फार्मूले की बात करें तो एनी इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई भी है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, यदि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो हम लोग जो है क्वाड्रेटिक फार्मूले के जरिए जो हम एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, रूट निकाल सकते हैं। यह होता है एक्स इक्वल टू माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन में टू ए। ठीक है, अभी हम सवाल में इसको यूज़ करेंगे। अब मैं एक एग्जाम्पल लूँगा, दोनों मेथड से उसको सॉल्व करूँगा, उसको ध्यान से देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एग्जाम्पल है 3x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 2 बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो कोफिशियंट को क्या करना पड़ेगा, 1 करना पड़ेगा। यहाँ पर 3 है, अगर ऑलरेडी यहाँ पर कुछ नहीं होता, कुछ नहीं है तो 1 होता है तो हम ऐसे ही रहने देते। अगर कोई हमारे कोफिशियंट दे रखा है, कोई वैल्यू दे रखी है, तो हम उसको उसी संख्या से जो है पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर डिवाइड करा तो ये बन गया एक्स स्क्वायर, यहाँ डिवाइड करा माइनस का 5/3, यहाँ डिवाइड करा 2/3, 0 से 3 को डिवाइड करेंगे तो मुझे कितना मिलेगा, 0 ही मिल जाएगा। अब देखिए, जब यहाँ पर आ गया, अब क्या करना है मुझे, अगर मैं करता हूँ a प्लस या माइनस हो x का होल स्क्वायर खोलता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, a स्क्वायर प्लस या माइनस 2ax प्लस में x स्क्वायर मिलेगा। तो मुझे जो है ये वाली टर्म को जो है क्या करना है, इसके इक्वल रख देना, किसके, 2ax के इक्वल रख देना है मुझे। मैंने 2ax के इक्वल रख दी 5/3x, इसके इक्वल रख दी। यहाँ पर 2ax से कंपेयर कर सकते हैं, x x कैंसिल हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 2 इसके मल्टीप्लाई में जाएगा तो 5/6, तो a स्क्वायर मुझे कितना मिलेगा, 25/36, इसका स्क्वायर कर दूंगा कितना हो जाएगा 25, 6 का 6 का स्क्वायर कर दूंगा कितना मिलेगा 36, तो 25/36 जो है मुझे इसमें एक बार ऐड कर देना, एक बार घटा देना, इसका इफेक्ट क्या, 0 हो जाएगा। इक्वेशन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसी संख्या को मैंने ऐड कर दिया, उसी संख्या को घटा दिया है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, खाली हम 2ax से कंपेयर कर लेंगे, कौन सी वाली टर्म, 5/3x, x x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो दोबारा देख लिए, 2a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5/3, a इज इक्वल टू 2 इसके मल्टीप्लाई में जाएगा कितना हो, 3 × 2 = 6, तो a स्क्वायर कितना मिलेगा, 25/36। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल को अच्छे से समझ लो, फिर सारे हो जाएंगे। तो इस तरह से मैंने कर दिया। अब देखिए, जब ये हम यहाँ माइनस है, जो एक्स वाला जो कोफी, एक्स का जो कोफिशियंट है किसमें, माइनस में, तो मुझे किसका मिलेगा, ए माइनस बी या एक्स माइनस वाई का जो मुझे होल स्क्वायर मिलता है वो मिलेगा। अब देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस में 5/36, सॉरी 25/36 जो हो जाएगा कितना, 5/6 का स्क्वायर, होल स्क्वायर कर देंगे 5/6 का। ठीक है, माइनस का ई स्क्वायर ऐसे रहने देंगे, ई स्क्वायर ऐसे रहने देंगे, तो इसको मैंने पहले लिख लिया है। ठीक है, 25/36 ऐसे लिख दिया, इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब देखिए, x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, क्योंकि 25/36 कितना हो जाएगा, 5/6 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर, 5/6 का स्क्वायर, माइनस ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा, x मल्टीप्लाई में 5/ कितना हो जाएगा, 6, तो यहाँ से कट जाएगा, 5/3 आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर, इसको खोल के देख लो यही मिलेगा। प्लस में यहाँ से एलसीएम ले लिया, 36 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे कितना करना पड़ा, 12 ही गुणा करनी पड़ी। ठीक है, एलसीएम लेंगे 12 × 36, तो 12 × 2 = 24, माइनस का 25 करने के बाद कितना बचेगा, माइनस के 1/36 बचेगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ देखिए, तो ये मिल जाएगा मुझे कितना, x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर माइनस 1/36। अब देखिए, 1/36 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/6 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर, तो ये मिला मुझे क्या, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, क्या होता है हमारे पास, a प्लस b और a माइनस बी। यहाँ पे a क्या है हमारे पास, ये है a, ये क्या है हमारे पास, b। तो मैंने क्या करा, तो इस तरह से कर दिया, ऐसा भी कर सकते हैं इसको और इस तरह से भी कर सकते हैं, तो इधर ले गए। ठीक है, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो प्लस माइनस 1/6,
एक बार हम क्या करेंगे प्लस वाला ले लेंगे, एक बार हम क्या करेंगे माइनस वाला ले लेंगे। एक्स माइनस फाइव अपॉइंट सिक्स वन अपॉइंट सिक्स, एक्स माइनस फाइव अपॉइंट सिक्स माइनस का वन अपॉइंट सिक्स इधर लेंगे, प्लस का हो जाएगा। एलसीएम लेने के बाद एक्स की वैल्यू क्या आ गई, वन आ गई। यहाँ पर जो है ये प्लस का हो जाएगा तो सिक्स, फोर अपॉइंट सिक्स हो गया। एलसीएम लिया सिक्स तो पाँच में से एक गया, कितना चार बचा, तो टू बाई थ्री बचा, ये आ गया। हम इस तरह से भी कर सकते थे, ये वाला फार्मूला आके भी कर सकते हैं हम लोग। कैसे देखिए, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, एक्स माइनस फाइव अपॉइंट सिक्स ये a हो गया, प्लस में कितना है वन अपॉइंट सिक्स। दूसरा हो जाएगा x माइनस का फाइव अपॉइंट सिक्स, ये माइनस b की वैल्यू कितनी है वन अपॉइंट सिक्स इजिकल टू ज़ीरो। तो एक बार ये वाली टर्म आ जाएगी, ठीक है, ये आ जाएगी एक बार ये वाली टर्म आ जाएगी। तो यहाँ से ले सकते हैं हम लोग x माइनस फाइव अपॉइंट सिक्स प्लस का वन अपॉइंट सिक्स इजिकल टू ज़ीरो, ये लिखते हैं x माइनस फाइव अपॉइंट सिक्स माइनस का वन अपॉइंट सिक्स इजिकल टू ज़ीरो, तो यही मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से भी इसको कर सकते हैं। ये तो था कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अब करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है, इसी क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक फार्मूला से हम लोग करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला तो थ्री एक्स स्क्वायर माइनस का फाइव एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, हमें कोफिशियंट को वन बनाना पड़ा, कोई ज़रूरत नहीं है वन बनाने की। हम कंपेयर कर लेंगे इसकी जो जनरल इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर थ्री, बी की वैल्यू कितनी है माइनस फाइव, सी की वैल्यू कितनी है टू। तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी हम निकालेंगे तो माइनस बी, बी की वैल्यू क्या माइनस का फाइव को स्क्वायर माइनस माइनस फोर, ए की वैल्यू थ्री है, सी की वैल्यू टू है। इसका करा कितना आ गया ट्वेंटी फाइव माइनस का ये हो गया तीन दूनी छः चौ तीन दूनी छः चौक चौबीस माइनस चौबीस वन। तो ये क्या है हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। तो यहाँ पे क्या मिलेंगे रियल रूट मिलेंगे। तो उसके बाद मैं यहाँ एक्स की वैल्यू निकालूंगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी टू है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी क्या है वन आया, तो अंडर रूट वन क्या होता है वन ही होता है। तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, वैल्यू रख दी बी की, ए की वैल्यू रख दी, इसको सॉल्व करने के बाद प्लस फाइव प्लस माइनस वन अपॉन में सिक्स। तो एक्स की वैल्यू जो मिली मुझे एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस वन अपॉन सिक्स। तो एक बार हम प्लस वाला ले लेंगे, एक बार माइनस वाला ले लेंगे, दो वैल्यू आएंगे एक्स की। तो या तो आ गया वन या आ गया फोर अपॉन सिक्स टू बाई थ्री, दो दूनी चार दो तिया छः, तो वैल्यू जो है ये आ गई, ठीक है। तो ये दो मेथड थे कंप्लीटिंग द स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। अब आते हैं हम एक्सरसाइज पर, ठीक है। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये कहता है फाइंड द रूट, हमें रूट निकालने हैं, रूट मतलब एक्स की वैल्यू निकालनी है हमें बाय द कंप्लीटिंग स्क्वायर इफ़ दे एग्जिस्ट, मूल ज्ञात करो पूर्ण वर्ग विधि द्वारा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन तो तुम्हारा क्या है कंप्लीटिंग द स्क्वायर से जो है उसके मूल ज्ञात करो, और इसी का सेकंड क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला से ज्ञात करने इसी क्वेश्चन के। तो दोनों क्वेश्चन जो है जो सवाल दोनों के सेम है, मेथड अलग अलग है। तो मैंने जो है पहले मैं करूँगा कंप्लीटिंग स्क्वायर, उसके बाद करूँगा कौन सा क्वाड्रेटिक फार्मूला से। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू एक्स स्क्वायर माइनस का सेवन एक्स प्लस थ्री, अभी हमने बात करी थी इजिकल टू जीरो, हमने बात करी थी कंप्लीटिंग द स्क्वायर की, ठीक है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे इसको कोफिशियंट वन बनाना पड़ेगा, तो टू से मैंने डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन को। तो यहाँ आ गया वन, यहाँ आ गया सेवन बाई टू, यहाँ आ गया थ्री बाई टू। अब मुझे जो है टू ए एक्स को मैं किसको कंपेयर करूँगा, माइनस रहने दो, साइन लो मतलब कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो सेवन एक्स ही ले लो, ठीक है। तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा ए की वैल्यू कितनी आएगी सेवन बाई टू, तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा सेवन बाई टू का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर कितना मिला मुझे 49 अपॉन और सेवन बाई टू है, सॉरी सेवन बाई टू है ये, ठीक है। यहाँ पे कितना है हमारे पास सेवन बाई टू, इससे कंपेयर करना है ना हमें, इसको हमें जो है यहाँ पे कोफिशेंट वन करने के बाद कंपेयर करना है सेवन बाई टू। तो हो जाएगा दो दूनी चार, तो ये हो जाएगा कितना 49, ये हो जाएगा कितना 16। तो मुझे जो है 49/16 एक बार ऐड कर देना है, एक बार माइनस कर देना है, तो मुझे जो है परफेक्ट स्क्वायर जो है मिल जाएगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस सेवन बाई टू एक्स प्लस में इसका जो होल स्क्वायर करूँगा कितना हो जाएगा 7/4। तो इसको मैंने लिख लिया 3/2, इसको ऐसे ही रहने दिया। यहाँ से यहाँ तक जो बनाएगा मुझे क्या मिलेगा, यहाँ से यहाँ तक मिलेगा मुझे कितना एक्स माइनस सेवन अपॉन फोर का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको खोलोगे तो यही मिलेगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर वन करना है, तो इसको खोलेंगे यही मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस में 49 अपॉन 16 माइनस 2 मल्टीप्लाई में एक्स मल्टीप्लाई में 7 अपॉन 4, ठीक है। तो यही मिल जाएगा, बाकी जो बचाएगा उसको एलसीएम लेके हम सॉल्व कर देंगे। तो एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पर 16, तो यहाँ आ जाएगा 8 या 24 माइनस का 49,
ये तो आती होगा, दोनों को एलसीएम लेके सॉल्व करा, ये आ गया। तो यहाँ से मिला मुझे एक्स माइनस सेवन अपन फोर, ऐसे कैसे रहेंगे ये बताया, माइनस का 24 में से माइनस 49, तो माइनस के बजाय कितना 25/16, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया कितना, एक्स माइनस 7/4 माइनस का 5/4 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया हमारे पास कितना, ए का स्क्वायर माइनस का बी का स्क्वायर, कितना मिलेगा मुझे, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये ए है हमारी पूरी टर्म, ये कौन सी है, ये जो है बी है, तो इसमें लगाएंगे ए माइनस बी का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक बार मैंने माइनस वाला ले लिया, एक बार प्लस वाला ले लिया, ठीक है। तो इसके या तो ये जीरो होगा या फिर ये हमें जीरो करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको जीरो करा, इधर आ गया, दोनों प्लस में हो गया, तो एलसीएम फोर आ गया, 7 5 कितने 12, तो 4 3 12, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। इसको इधर लेके गया तो ये तो माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, तो यहाँ से एलसीएम लिया 4, 7 में से 5 गया कितने में 2, तो 1/2 2, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2, और 1 क्या आई 3, तो 2 वैल्यू आएंगी, 2 घात समीकरण है तो एक्स की 2 वैल्यू आएंगी। अब इसी क्वेश्चन को हमें देखना है क्वाड्रेटिक फार्मूले से, क्वाड्रेटिक फार्मूले से हमें जो है ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। ये हमें इक्वेशन दे रखी है, ए की वैल्यू कितनी है 2, बी की वैल्यू कितनी है माइनस 7, सी की वैल्यू कितनी है 3, तो बी स्क्वायर माइनस 4 एसी निकालेंगे। बी की वैल्यू रखी, माइनस का 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, माइनस का 4 × 2 × 3, तो हो जाएगा 3 × 6 = 24, 25 25 क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो एक्स की एक्स निकालेंगे, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 एसी अपॉन 2a, सब की वैल्यू पुट कर दी, बी स्क्वायर माइनस 4 एसी 25 आ रहा था, 25 का अंडर रूट करेंगे, 25 को हम कैसे लिख सकते हैं 5 × 5, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 5, तो ये आ गया प्लस माइनस 5। तो एक बार तो प्लस वाले ले ली, एक बार हमने माइनस वाले ले ली, तो जब प्लस वाले ली तो कितना आ गया आंसर, एक्स की वैल्यू आई 3, और जो माइनस वाले ली तो एक्स की वैल्यू कितनी है 1/2, जो हमारे पास ऊपर आ रही थी कंप्लीटिंग द स्क्वायर से, 1 3 आ रही थी, दूसरी 1/2 आ रही थी, ठीक है। तो ये जो था क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, अब बात करेंगे हम सेकेंड क्वेश्चन की, ठीक है। सेकेंड पार्ट है इसका, कंप्लीटिंग द स्क्वायर से हमें करना है, तो इसको तो आप लोग खुद ट्राई कर लेना, खुद सॉल्व करना है इसको। 2x² एक्स प्लस माइनस का 4 = 0, तो मैंने कंपेयर कर लिया, 2ax है किसको, पहले यहाँ से क्या करा, 2 को रिमूव करा, तो 2 को रिमूव करा 1/2 हो गया, तो 1/2x को कंपेयर कर लिया, 2ax है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x कैंसिल हो गया, a की वैल्यू कितनी आ गई, ये 2 इसके मल्टीप्लाई में जाएगा, तो इसको मैंने पहले लिख लिया 1/4, तो ए स्क्वायर कितना हुआ 1/16, तो मैंने क्या करा, एक बार इसमें 1/16 माइनस कर दिया, एक बार क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ये 2 बच गया, ठीक है। तो उसी तरह से हमें करना है, फिर क्वाड्रेटिक फार्मूले से करना है, तो इसे खुद ट्राई करें। इसी क्वेश्चन का हम देखते हैं थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट हमने दे रखा 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 = 0, पहले हम करेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर से, ठीक है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर से करना है हमें, तो यहाँ पे जो है 4 को रिमूव करना पड़ेगा, जो x² का कोफिशियंट है 4, इसको रिमूव करेंगे, तो 4 से डिवाइड कर दिया, यहाँ तो 1 आ गया, यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल, √3 आ गया, ये 3/4 आ गया, तो √3x को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2ax के इक्वल लिखा, यहाँ से x से x कैंसिल हो गया, a की वैल्यू कितनी आ गई √3, ये 2 इसके नीचे जाएगा, तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे 3, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, तो 3/4 को एक बार मुझे माइनस करना है, एक बार ऐड कर देना है, ठीक है। तो ये तो हम कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से जो है हम क्या कर सकते हैं इसको, ये 3/4 यहाँ भी आ रहा है, ठीक है। तो ये तो कैंसिल आउट ही हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास यही, तो ये किसका, x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, इसको मैं होल स्क्वायर खोलूँगा तो मुझे मिलेगा x² प्लस में 3/4 और प्लस में √3x मिल जाएगा, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2ax होता है हमारे पास, ठीक है, तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे मिला x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, तो ये 0 हो गया, इधर जाएगा तो 0 रहेगा, 0 को अंडर रूट 0 ये मिलेगा, तो x = माइनस का √3/2, तो ये आ गया आंसर। इसी को हमें करना है किससे, क्वाड्रेटिक फार्मूले से, क्वाड्रेटिक फार्मूले से करा, a की वैल्यू कितनी है 4, b की वैल्यू कितनी है 4√3, c की वैल्यू कितनी है 3, तो b² - 4ac निकालना है हमें, तो कितना हो गया, 4 चौक 16
रूट थ्री का स्क्वायर करा, थ्री मिला तो 16 थी 48, 48 जीरो मिल गया। ठीक है, जब ये जीरो हो गया तो ये वाली टर्म पूरी जीरो हो गई, माइनस बी, बी की वैल्यू कितनी है 4√3, तो बी की वैल्यू रख दी मैंने 4√3, ए की वैल्यू 4 है तो कितना हो गया 8, तो ये मिला माइनस तो है ऑलरेडी, तो 4 × 8 तो √3/2। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का √3/2, दो वैल्यू आएंगी एक्स की, दूसरी वैल्यू कितनी आएगी माइनस का √3/2, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जीरो, जब ये हमारे पास जीरो मिल जाता है तो इक्वल रूट आते हैं, तो आगे हम बात करेंगे भी नेचर ऑफ रूट्स में। इसी का जो है फोर्थ पार्ट है हमारे पास, 2x² + x + 4 = 0, कंप्लीटिंग द स्क्वायर से करा तो यहाँ से मैंने जो है इसको 2 को रिमूव करा, 2 को 2 से डिवाइड कर दिया तो 1/2 प्लस में 2 से डिवाइड करा तो कितना आ गया 2 आ गया, तो 2ax को मैं कंपेयर करूँगा किससे, 1/2x, xx तो कैंसिल हो जाएगा, a = 1/4, तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/16, तो 1/16 एक बार ऐड कर दिया एक बार माइनस कर दिया, तो मुझे जो मिलेगा एक्स स्क्वायर 1/2x और 16 लेके तीनों से मुझे क्या मिलेगा x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बचेगा हमारे पास कितना, ये वाला 2 बचेगा और माइनस का 1/16 बचेगा, एलसीएम लिया 16 तो यहाँ पे जो हमारे पास कितना मिलेगा ये 1/16। ठीक है, तो इसको हम कंपेयर, ठीक है, तो ये मिला यहाँ पे एलसीएम ले लिया तो 16 आना चाहिए, ये हमारे पास ऑलरेडी 2 है तो ये 16 इसका स्क्वायर, तो एलसीएम आया यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 16 तो करना ही पड़ेगा 1 है, ठीक है 16 की गुणा करनी पड़ेगी, ठीक है तो ये हो जाएगा हमारे पास 16 होगा, ये 16 32 31 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है दोबारा देख लेते हैं इसको, ये पहुँचा गया हमारे पास कितना, ये 2 हो गया, बचा कितना एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x प्लस का 1/16, तो ये हो जाएगा प्लस का 2 माइनस का 1/16, यहाँ पे एलसीएम लिया हमने 16 तो 16 × 32, ठीक है ये हो जाएगा 32 माइनस का 1 तो 31/16, ये बचेगा हमारे पास कितना 31/16, जब इधर ले आएंगे माइनस का हो जाएगा 31/16, तो ये क्या लेस देन 0 है, तो नो रियल रूट, जब ये 0 आ गया हमारे पास, सॉरी जब ये नेगेटिव आ गया तो ये, जब ये स्क्वायर हमारे पास, स्क्वायर की टर्म कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती, जब स्क्वायर की टर्म नेगेटिव नहीं हो सकती कोई रियल रूट नहीं है इसका, कोई वास्तविक मूल नहीं है, ठीक है एग्जिस्ट नहीं करेगा इसका रियल रूट, क्योंकि कुछ भी स्क्वायर करेंगे, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा पॉजिटिव ही मिलेगा, माइनस की कोई वैल्यू हम स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव मिलेगी, तो जब ये हमारे पास कोई भी यहाँ पर एक्स प्लस 1/4 इसका स्क्वायर है तो हमें पॉजिटिव होगा, तो ये माइनस का इक्वल कैसे हो सकता है, ठीक है इसलिए कोई इसका रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करता है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला फाइंड रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, मूल ज्ञात कीजिए, हमें रूट्स ज्ञात करवा रहा है, ठीक है हमें इक्वेशन दे रखी है, फर्स्ट पार्ट देखिए एक्स माइनस का 1/x = 3, x≠0, एलसीएम लिया एक्स तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 1 = 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो 3x हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो गया, तो हमारे पास उसके बाद इसको इधर लिया है एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 1, ये क्या मिल गई मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई, द्विघात समीकरण मिल गई, यहाँ से ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -3, सी की वैल्यू -1, तो लगाएंगे b² - 4ac जो हमारे पास निकल के आएगा कितना 13 ग्रेटर देन 0, ये होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए जो आएगा ना, तो रियल रूट एग्जिस्ट करेगा, अगर नेगेटिव आ गया तो कोई रियल रूट नहीं होगा, ठीक है तो x की वैल्यू निकाली माइनस का भी प्लस माइनस √b² - 4ac / 2a, सबकी वैल्यू पुट कर दी √13, ठीक है तो x की वैल्यू क्या मिली मुझे, एक तो प्लस वाली मिल जाएगी एक माइनस वाली मिल जाएगी, 3 ± √13/2, ये हमें x की वैल्यू मिलेगी, ऐसे लिख सकते हैं या फिर हम लिख सकते हैं 3 ± √13/2, दूसरी वैल्यू आएगी 3 - √13/2, दो वैल्यू आ जाएंगी, ठीक है इसका सेकेंड पार्ट देखिए, 1/x + 4 माइनस का 1/x - 7 = 11/30, ठीक है ये हमें कंडीशन दी गई, ये हम लेते हैं, ये जो है x की वैल्यू -4 है और 7 के बराबर नहीं हो सकती, इसमें जो है क्या करेंगे मुझे पहले इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी पड़ेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो हम जो है एलसीएम लिया x + 4 x - 7, तो उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई हो गई यहाँ पर, ये हमारे पास एलसीएम आ गया तो क्रॉस मल्टीप्लाई करी x - 7 - x + 4
इज इक्वल टू, इसको ऐसे रहने दिया, ये एक्स एक्स कैंसिल हो गया, तो सात माइनस का कितना बचेगा, माइनस का सात और ये माइनस का फोर, ये ऐसे रहेगा एक्स प्लस फोर एक्स माइनस सेवन, इसी तरह से करेंगे तो ये बचेगा माइनस का सात और माइनस का चार कितना होगा, माइनस का इलेवन, माइनस का इलेवन इसको मैंने मल्टीप्लाई करके खोल लिया, एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस फोर एक्स माइनस का ट्वेंटी एट, ये जो आया यहाँ से आया, ये इसको मैंने खोला, एक्स की इसमें करी फिर इसमें करा फिर फोर की एक्स में करी फिर इसमें करा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये माइनस का इलेवन है, ठीक है, और ये प्लस का इलेवन है, तो ये दोनों बराबर क्वांटिटी हैं, तो यहाँ माइनस का वन बचेगा, ठीक है, यहाँ प्लस का वन बचेगा, ग्यारह एक हम ग्यारह हैं माइनस, उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस ट्वेंटी एट हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली, तो इधर तो माइनस थर्टी आ गया, इसको वन में करेंगे तो ऐसे ही मिल जाएगा मुझे, माइनस थर्टी को उधर लिया है प्लस का हो गया, तो बचा प्लस का टू, माइनस का अट्ठाईस है और प्लस का तीस है, तो प्लस का ज़्यादा है प्लस का टू बचेगा, ये जो मिली मुझे क्या मिल गई, स्टैंडर्ड फॉर्म मिल गई, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है, ठीक है। तो यहाँ से ए वन सॉरी ए निकाला, बी निकाला, सी निकाला, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, जो हमारे पास वन मिल गया, ठीक है, तो रियल रूट इसका एग्जिस्ट करेगा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, सबकी वैल्यू पुट करिए, अंडर रूट वन किसके बराबर होता है, वन के बराबर होता है, तो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस वन थ्री प्लस माइनस वन अपॉइंट टू, ये दो वैल्यू मिलेंगी, एक बार प्लस की मिलेगी तो थ्री प्लस वन फोर इजिकल फोर अपॉइंट टू इजिकल टू क्या मिली, एक्स की वैल्यू टू, थ्री माइनस वन थ्री में से वन गया कितना टू, टू अपॉइंट टू ये मिल गई, तो दो वैल्यू मिल गई, एक्स इजिकल टू वन और एक्स इजिकल टू टू। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन की बात करेंगे, तो आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें, थैंक यू।